में महाराज पांडु और महारानी माद्री का निधन हो गया है महाराज। असंभव। नहीं महामहिम नहीं, जीवन और मृत्यु के चक्र से केवल आप सुरक्षित रह पाए हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। महारानी माद्री ने अपने प्राण त्याग दिए हैं महामहिम। महारानी कुंती और पांडव वन में अकेले हैं। बड़ा कठिन हो जाएगा महारानी कुंती और उनके पुत्रों का जीवन। हस्तिनापुर का युवराज वन में अकेला नहीं रहेगा, उसे शीघ्र ही हस्तिनापुर लाने का प्रबंध किया जाए। तुम स्वस्थ तो हो ना? चार लड्डू खाकर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मैंने तो 10 कोड़े खाए हैं, मैं किस प्रकार स्वस्थ रहूंगा? श्री, लीप लगा रहे हो या त्वचा उतार रहे हो? मुझे क्षमा कर देना शोन। चलो, अपने प्राता श्री को क्षमा मांगने का अवसर भी दे दिया मैंने, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं ना प्राता श्री? शोन, मेरे कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई। अभ्यास है मुझे प्राता श्री, आपके कारण बालपन से मुझे मार पड़ी है, किंतु कोई समस्या नहीं, मेरे सारे घावों का पुरस्कार आप एक साथ दे देना। क्या पुरस्कार की इच्छा है शोन? पृथ्वी के किसी कोने पर एक ऐसा स्थान अवश्य निर्मित करना जहां नीची जात के लोगों को कोड़े ना खाने पड़े। और वहां मेरे लिए एक बड़ा सा भवन निर्मित करना। मैं वचन देता हूं शोन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूं। तुम्हारे एक एक रक्त बिंदु का प्रतिशोध लूंगा मैं। किससे प्रतिशोध लोगे कर्ण? सबसे, किंतु सर्वप्रथम प्रतिशोध लूंगा महामहिम भीष्म से। वसंत पंचमी के महोत्सव में विश्व की कोई शक्ति मेरे निर्णय में परिवर्तन नहीं ला सकती।
धीरेन्द्र सिंहासन पर होने वाले महाराज विराजमान है। युवराज दुर्योधन की जय। युवराज दुर्योधन की जय। युवराज दुर्योधन की जय। युवराज दुर्योधन की जय। दुर्योधन यदि इस घटना के समाचार भीष्म और विदुर को मिल गए तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। पुत्र, इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ना आज नहीं है मामाश्री, किंतु कल अवश्य यह सिंहासन मेरा ही होगा। स्वप्न देखने वाला सुख पाता है और सत्य देखने वाला सफलता पाता है। तात्पर्य तात्पर्य यह है पुत्र कि तुम्हारा स्वप्न है कि तुम युवराज हो, किंतु सत्य यह है कि भीष्म और विदुर उस पांडु पुत्र युधिष्ठिर को ही युवराज बनाएंगे। हाँ। और जब तक भीष्म जीवित है तब तक तुम हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। किंतु भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनकी मृत्यु होना असंभव है। उत्तम, अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। किंतु पांडु पुत्रों को तो ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं है ना पुत्र। अधिरथ महोदय, यह औषधि शॉन के घाव पे लगा दीजिएगा। अधिरथ महोदय, आपके लिए महामहिम का आदेश है, आपको शीघ्र ही महामंत्री विदुर जी को वन में लेकर जाना है। वन में? समाचार प्राप्त हुआ है, महाराज पांडु का निधन हो गया है। आपको जाकर राजकुमारों और महारानी कुंती को हस्तिनापुर लाने का आदेश है। महारानी कुंती हस्तिनापुर आ रही। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेगा, इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। क्षमा कीजिए भगवान सूर्य नारायण, किंतु आप ही का दिया गया हुआ कवच आपके पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। शोन,
बैठने का प्रयत्न तो करो। नहीं प्रताश्री, अब मैं एक वर्ष तक नहीं बैठूंगा। शोन, बहुत पीड़ा हो रही है। कष्ट पीड़ा का नहीं है माता, मैं बैठना आरंभ करूंगा तो मेरी पीड़ा का महत्व कम हो जाएगा। शोन, तुम एक वर्ष तक कैसे पड़े रह सकते हो? वसंत पंचमी केवल एक मास के पश्चात है, मेरी परीक्षा देखने नहीं आओगे? यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधीरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। वसंत पंचमी के दिन कोई परीक्षा नहीं होगी। किंतु परीक्षा करने का निर्णय तो आपके महामहिम ने स्वयं किया था प्रताश्री। और उस दिन परीक्षा में सफल ना होने की तुम्हारी योजना, ये भी जानता हूं। जीवन में सारथी बनने की ही इच्छा नहीं मेरी। क्या बनना है तुम्हें? धनुधारी तो बन नहीं पाओगे, जीवन भर विधवा करते रहोगे, जीवन भर तुम्हारी माता को चिंता करवाओगे? क्या तुम्हारे पिता को जीवन भर क्षमा याचना करनी पड़ेगी? तुम्हारे भाई को जीवन भर दंड भोगने पड़ेंगे? ये योजना है तुम्हारी? चिंता करने वाली, क्षमा मांगने वाली और दंड देने वाली परंपराओं को तोड़ने की योजना है। तो तुम्हारी ऐसी योजनाओं को लेकर तुम्हें हस्तिनापुर का त्याग करना होगा कर्ण। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। आर्या, ये क्या कह रहे हैं आप? उचित कह रहा हूं राधा। माता सरस्वती भी वडवानन लांच की दिव्य अग्नि का ताप नहीं सह पाई थी, माता गंगा भी शिव के पुत्र का ताप नहीं सह पाई थी। हम तो सामान्य मनुष्य हैं राधा, कब तक इसकी दिव्यता का भार संभालते रहेंगे? बहुत भोग लिया, बहुत सह लिया। राधा श्री के हाथ कटे, हम विस्थापित हुए, मुझे मृत्यु दंड मिला और अब ये। नहीं करण, अब इस समाज में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे ताऊ के पास वन में ही तुम्हारा स्थान है। नहीं नहीं आर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे पुत्र को इस तरह निष्कासित नहीं कर सकते आर्य। मैं वचन देती हूं, कर्ण ऐसा कुछ नहीं करेगा, ना धनुष उठाएगा और ना क्षत्रियों के साथ संघर्ष करेगा। मैं वचन देती हूँ आर्या। कर्ण अपने पिता को वचन दो। कर्ण वचन दो, अपने पिता को वचन दो। नहीं राधा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अग्नि कभी यह प्रण नहीं लेगी कि वो लकड़ी का भोजन नहीं करेगा। कर्ण किस प्रकार अपनी देवता को ठक कर रख सकता है? उचित यही होगा राधा कि कर्ण अपना जीवन अब वन में जाकर जिए। मैं महारानी कुंती और उनके पुत्रों को लेने जा रहा हूं। मेरा आदेश है कर्ण, मेरे लौटने से पूर्व तुम हस्तिनापुर त्याग कर चले जाओ।
गांधार राज शकुनी। श्री, आपने तो कहा था कि हम किसी भयानक योद्धा से सहायता प्राप्त करने आए हैं। ये ना तो भयानक प्रतीत हो रहा है और ना ही योद्धा। जो योद्धा बलवान प्रतीत ना हो वही तो सत्य में भय का कारण होता है पुत्र। ये है अग्नि पर्व। आप चेष्टा मत कीजिए मामा श्री। आओ अग्नि पर मामा श्री को अपना सत्य प्रकट करो। युद्ध करो मुझसे। राजकुमार दुर्योधन, केवल मनुष्य अहंकार के लिए युद्ध करते हैं। राक्षस तो केवल मूल्य के लिए युद्ध करते हैं, मूल्य के लिए। क्या मेरा मूल्य आप चुका पाएंगे गांधार राज? अवश्य अवश्य अग्नि पर्व, अवश्य। प्रतिदिन गांधार से एक चक्र, एक रक्त भर भोजन तुम्हारे और तुम्हारे भ्राता श्री के लिए पहुंचा दिया जाएगा। किंतु पांडु पुत्रों की मृत्यु इतनी सरल नहीं होगी, ध्यान रहे अग्नि पर्व। अग्नि पर्व के लिए किसी भी मनुष्य की मृत्यु सरल है। चाहे वो पांडु पुत्र ही क्यों ना हो। पांडव साधारण मनुष्य नहीं अग्नि पर्व। मेरे गुप्तचरों ने मुझे कुछ समय पूर्व एक घटना के विषय में कहा था। उन पांचों में सबसे बलवान है भीम। जो अपने मुष्टिका की एक प्रहार से शीला तोड़ सकता है। नकुल उन पांचों में सबसे चपल है। विचारों की गति से उसकी तलवार घूमती है। सहदेव की परशु को देखकर स्वयं भगवान परशुराम का स्मरण हो आता है। सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर का भाला शब्द वेदी है। सबसे भयानक है कुंती पुत्र अर्जुन। चतुरंग
नैमिषारण्य के निकट एक गांव में जब नागों का आक्रमण हुआ था, तब इन्हीं पांच भाइयों ने प्रतिकार किया था।